नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है आज की कि शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जो डोटासरा ने अभी हाल ही में शाला दर्पण का एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया था, और इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से शिक्षक की हर समस्याओं का समाधान अब ऑनलाइन ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब जो ट्रांसफ़र होंगे ऑनलाइन ही होंगे, यानी अब जो आपको ट्रांसफ़र के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं करना पड़ेगा, शाला दर्पण पर ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है, दिखाऊंगा वो आपको ट्वीट। और ट्रांसफ़र शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जो आपको मैंने दिखाया भी था, फिर आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की और जानते हैं ट्रांसफ़र शेड्यूल और स्थानांतरण की पॉलिसी, जो भी अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया है। दोस्तों, इन सभी बातों से पहले एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी शिक्षा संबंधी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा लोगो है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं शाला दर्पण पर जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे और स्थानांतरण होंगे उनका ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और दोस्तों, दिखाऊंगा आपको शिक्षा मंत्री का वो ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने अभी अभी हाल ही में बताया है कि ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, और शेड्यूल भी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, एक और बात कि शाला दर्पण का जो इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च हुआ है और कल हाल ही में जिसको अपडेट किया गया है, और NIC ID के बारे में मैंने वीडियो जारी किया था कि किस प्रकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में मेरे पास हज़ारों की संख्या में कमेंट आए। तो दोस्तों, सभी का जवाब यही है कि शाला दर्पण अभी और अपडेट हो रहा है, आप तसल्ली रखिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये गोविंद सिंह जी डोटासरा का ट्विटर अकाउंट है जिसको मैंने अभी हाल ही में खोल के आपको दिखा रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों के सभी विभागीय कार्यों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्टाफ कॉर्नर बनाने की घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी, और आज हम शिक्षक वर्ग को स्टाफ कॉर्नर समर्पित कर रहे हैं। स्टाफ कॉर्नर में विभागीय सुविधाओं कार्यों के आवेदन और अन्य सुविधाएं अब ऑनलाइन ही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा। यानी अब जो स्टाफ कॉर्नर हमारे पास उपलब्ध है शाला दर्पण का, तो हमें किसी भी विभाग में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हमारा सारा कार्य जो भी है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। आगे लिखते हैं ये कि ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे गुरुजनों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, आप सभी शिक्षकों के लिए, कि आपको किसी भी विभाग में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और नीचे शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन भी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से लेने का निर्णय लिया गया है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अब जो शाला दर्पण पर स्थानांतरण है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन किसी भी सूरत में नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने ये अपना ट्वीट अकाउंट में ट्वीट करके बता भी दिया है कि स्थानांतरण अब ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और दोस्तों, आगे लिखते हैं कि किसी वर्ग के स्थानांतरण आवेदन कब आमंत्रित किए जाएंगे, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी आवेदन आप कब कब से स्टार्ट होंगे, किस वर्ग के कब होंगे, ये सभी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी। समस्त शिक्षकों से आह्वान करता हूँ कि पोर्टल से जुड़े रहें, विभागीय जानकारियों से अपडेट रहें। तो दोस्तों, देखा आपने, यानी अब जो ऑनलाइन आवेदन ही होंगे, यानी स्थानांतरण किसी भी सूरत में ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आवेदन आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। किस प्रकार करना है आपको आवेदन, दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिखाता हूं आपको ट्रांसफ़र का शेड्यूल जो जारी हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफ़र शेड्यूल स्टाफ कॉर्नर में अभी हाल ही में खुला है। यानी अभी तो देखो सर्वर डाउन चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन में वापस सही हो जाएगा। तो आप ये देख पाओगे ट्रांसफ़र शेड्यूल जिसमें बताया गया है अब यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्रांसफ़र शेड्यूल, ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन विभिन्न वर्ग के लिए होगा, और ये जैसे लिखा हुआ है पोस्ट है सीनियर टीचर के लिए। अब ये जो स्टार्ट और एंड डेट है दोस्तों, ये निकल चुकी है, हालांकि ये डेट निकल चुकी है 1/6/2019, लेकिन अब जैसे कि इंटीग्रेटेड पोर्टल थोड़ा लेट लॉन्च हुआ है इस वजह से ये डेट निकल चुकी है, लेकिन अब जल्द ही
आपके स्थानांतरण फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से आप आवेदन कर पाओगे और उसकी अंतिम जो डेट है वो भी निर्धारित है पहले से 31/8/2019, यानी यहां तक आप आवेदन ऑनलाइन कर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों किस प्रकार करना है, क्या क्या आपको इसकी ज़रूरत रहेगी, इसके बारे में अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और सब्सक्राइब, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।